छपरा से बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अपनी हार के लिए पार्टी के ही एक बड़े नेता को जिम्मेदार बताया है। धर्मेंद्र ने कहा कि वो हारे नहीं हैं, बल्कि उन्हें हराया गया है। दुखद बात यह है कि वो पार्टी का ही नेता है। उन्होंने कहा कि वो सभी मतदाताओं के पास गए, जीत तय थी, मतदाता समर्थन में थे, लेकिन पार्टी के ही एक बड़े नेता ने निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में काम किया, जिनका खामियाजा पार्टी को हार के रूप में चुकाना पड़ा। देखिए, बहुत से ऐसे लोग आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए द्वारा टिकट मिला गया है और आप हार गए, तो ये हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। और हमारे सारण के ही एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके आदेश पर, उनके दिशा निर्देश पर, उनके प्रतिनिधियों द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा ये काम करके और एनडीए के जो उम्मीदवार हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज हमें प्रत्याशी बनाया गया था, तो उनका हराने का अहम भूमिका रहा। कौन है सर वो जिनके जिनका नाम आप रख रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग इस पर हमने वरीय अधिकारी अपने अधिकारी को हम लोग इसकी सूचना देने जा रहे हैं, और जब वो सर्वे पूर्ण रूप से हो जाएगा, हम लोगों की जो सर्वे किए हैं, जानकारी मिला है, इसके लिखित हम लोग देने जा रहे हैं। और प्रदेश से और दिल्ली से भी हम लोगों का मांग किया गया कि क्या वजह रही है, कौन कौन इसमें आपके ये हार के भूमिका रहा है, इस पर हमें बताएं। दूसरा चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारा एनडीए जो कि एक यहाँ सरकार है, यहाँ 100% में 70% एनडीए के यहाँ समर्थक हैं और यहाँ 30% में अन्य पार्टियों के लोग समर्थक लोग हैं। फिर भी आज एनडीए द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो हम उम्मीदवार थे, मात्र 5% वोट आया। ये क्या, ये साफ दर्शाता है कि हम लोगों के साथ ये धोखाधड़ी या विश्वासघात किया गया है। आज हम लोग 12 तारीख को हम लोगों को समर्थन पत्र मिला है, 14 तारीख को हम लोगों ने नॉमिनेशन अपना कराया, 15 तारीख से सभी प्रखंड में 20 प्रखंड में हम लोगों ने 20 दिनों में एक भी प्रखंड हम लोग से नहीं छूटा। और एक जनप्रतिनिधियों लोग का एक हुजाम उठ चुका था कि हाँ, ये हम एनडीए जीत रही है, और चुनाव के 2 दिन पहले ये ऐसा क्या हुआ कि इतने तरह गलत यूमर फैलाया गया और हम लोगों को, क्योंकि देखिए ये चुनाव आप लोग जानते हैं, ये सारा कार्यकर्ता जानता है, सारा जनप्रतिनिधि जानता है कि ये चुनाव कैसे चुनाव है। हम लोग कहीं भी उसमें पीछे नहीं रहे हैं। हम लोग जैसे भी चुनाव की प्रक्रिया से गुजरा जाता है, वैसे हम लोग खड़े रहे हैं और हर एक तरह का वहाँ पर हम लोगों ने सुविधाएं देने का काम किया है। उसके बावजूद भी आज हमें इतनी कम वोट आया है, तो ये हमारे पीछे हमारे जनप्रतिनिधियों को दबाव दिया गया है कि ये उम्मीदवार एनडीए का नहीं जीतना चाहिए। आज जो उम्मीदवार जीता हुआ है, आप हमें बताएं कि वो आज से विधानसभा भी वो उम्मीदवार लड़ा था, उससे आप लोग देख लीजिए कि उसको कितना शिफ्ट समय आया था, क्यों नहीं आया इतना वोट निर्दलीय में, तो आज वोट दिया गया है, तो ये साफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये समर्थन दिया गया है। आज हम अन्य हमारे प्रतिद्वंदी थे राजद को वोट उनको जितने आने चाहिए थे उन्हें मिले, पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का वोट कहाँ गया, वो वोट दूसरे जगह कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पावर का, यहाँ पर साफ ये दिखता है कि पावर का सत्ता है, हम पावर में हैं तो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। आज हमें ये बताया जाए कि हम लोग कहाँ चूक किए हैं, कहीं चूक नहीं है, इस पर हमारे वरीय अधिकारी इस पर जांच करेंगे, इस पर होगी और लिखित हम लोग देने जा रहे हैं। सर, आप वरीय अधिकारी से क्या मांग करते हैं? वरीय अधिकारी से हम यही मांग करेंगे इसकी उचित जांच हो, क्योंकि आने वाला समय 2024 भी हमारा इस तरह की अगर घटना होगी तो आने वाला 24 में हमारा खतरा रहेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि आज विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास के साथ वो माने जाते हैं और उनके वो विश्वास किए हुए, पर यहाँ हमारे वैसे कुछ नेता हैं जो पार्टी से ऊपर हटकर समझते हैं कि हम पार्टी से भी बड़े हैं, वो अपने आप को समझते हैं,
और इसका खमियाजा हमारे पार्टी को झेलना पड़ेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि ये ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अगर जो भी पार्टी के विरोध में जाएगा वो उसके खिलाफ में हम आवाज़ उठाएंगे और सारण से अब ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि ये तरह का भी अफवाह उठाया गया था कि एनडीए का प्रत्याशी बैठ गया सत्ता में रहकर, सत्ता के खास लोगों द्वारा हराया गया। जी बिल्कुल, ये सत्ता में रहकर और सत्ता के इन खास लोग वो ये समझे कि हम सत्ता से भी बड़े नेता हैं ये समझकर और वहाँ सत्ता में रहकर भी हराया। सर आपकी अगली कदम क्या होगी? हमारी अगली कदम अभी इस पर जांच हो, हम लोग 2-3 दिनों में बैठक हम लोगों को प्रदेश द्वारा कराया जाएगा, उसमें सारी जहाँ जहाँ सीट कैसे हार हुई है हम लोग उसकी सूचना देंगे। हर एक प्रखंड के वैसे लोग जो लोगों ने ये भूमिका निभाया है हम वैसे उनके नामों के साथ देंगे। फिर हम लोग दिल्ली में भी जाकर, और दिल्ली में जब हमारा समर्थन मिला था तो हम लोग दिल्ली में मिले थे, उनके पास जाएंगे और सारी बातों को अवगत कराएंगे कि ये सारण जिला में यहाँ अल्पसंख्यक हमारा सीतामढ़ी समस्तीपुर है वहाँ कैसे जीत गया, यहाँ सारण क्यों हारा, इसका बहुत बड़ा विषय है। ये 2024 के लिए सोचना पड़ेगा हमारे वरिष्ठ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को, किस तरह की घटना रहेगी तो हमारा सरकार को काले संकट, ऐसे ऐसे लोग काले संकट के रूप में। प्रत्याशी की जो जीत हुई है अब वो फिर अपना पार्टी में जाएंगे तो उसके बारे में आपका क्या? वो तो पार्टी का निर्णय है, पर पार्टी ने तो वो तो निर्दलीय किया गया है ना, निर्दलीय से पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे वो पार्टी का निर्णय है। पार्टी तो उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, अब वो पार्टी में जाएंगे, पार्टी में जाने के लिए तो वो एरी चोटी लगा रहे हैं, जिससे जाके मिल रहे हैं कि हमको वहाँ पर पार्टी में रखा जाए, पर कहीं भी वो ऐसा नहीं दिख रहा है। और पार्टी जान रही है कि जो विश्वासघाती लोग हैं, विश्वासघात जो किए हुए हैं, तो पार्टी उस पर सोच समझ के ही एक्शन लेगी। बता दें कि छपरा में बीजेपी ने अपने विधान पार्षद रहे सच्चिदानंद राय का टिकट काट कर धर्मेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद सच्चिदानंद राय बागी हो गए थे और निर्दलीय ही वहां से न केवल पर्चा दाखिल किया बल्कि जीत भी हासिल की। बताया जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी सच्चिदानंद राय का साथ दिया था। छपरा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें।